हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया इंजीनियरिंग। नो टुडे मैं आप लोगों को बताऊंगा एसी मोटर के बारे में, उसका वायरिंग, पावर सप्लाई एंड प्रैक्टिकल विथ दिस मोटर। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा किरचॉफ लॉ, जो कि आपने इंजीनियरिंग में, ट्वेल्थ में बहुत से सब्जेक्ट में पढ़ाए होंगे। इस वीडियो के बारे में एक चेतावनी आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चे इस तरह के प्रैक्टिकल ना करें। अगर आपको ये सब करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, आप मुझसे बात करें, बाद में आप मुझसे जानकारी लेके ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट पर्सन के साथ में रहकर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मोटर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, पर क्या आपने इस डेफिनेशन को देखा है? तो अब इस वीडियो में आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको 132 किलोवाट का एक प्रेस का, हाइड्रोलिक प्रेस का मोटर है, जो कि ठीक है ये दिख रहा है। अभी मैं आपको 1.1 किलोवाट का एक गेयर बॉक्स के साथ एक मोटर शो कर रहा हूँ। ठीक है, इस मोटर में आपको 6 टर्मिनल दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें तीन टर्मिनल में एक स्टार की पट्टी लगी हुई है, इसके लिए बोलते हैं स्टार लिंक। ठीक है, बाकी तीन टर्मिनल जो हैं वहाँ पे हमें RYB फेस, थ्री फेस देना है। ठीक है, एक थ्री फेस का वायर जो है हमें लग मार के सही से कनेक्शन करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, अभी सही से R में R, Y में Y, B में B फेस आपको देना है। आपको थ्री फेस अलग अलग टाइप से देना है। अगर आप इस फेस को अगर चेंज करते हैं तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, इस मोटर के डीपली मैं आपको बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मोटर एक्चुअली है क्या। ठीक है, अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करूंगा और आपको किरचॉफ लॉ का प्रूफ दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले तीनों कनेक्शन ठीक से कर दिए। ध्यान देना, कभी भी मोटर में हमें अर्थिंग जरूर देना है। ठीक है, इसमें एक अर्थिंग का टर्मिनल होता है, वहाँ पे हमें अच्छे से अर्थिंग देना है, बाद में इसे सेपरेट करके लगा देना है। ठीक है, अब हम मोटर को, अभी आपको एक गियर बॉक्स के साथ में इसका गियर का रेशो दिखेगा। ठीक है, ये 23.56 रेशो पर मिनट, इस तरह का रेशो दिखाई दिया, और 1.1 किलोवाट की ये मोटर दिख रही है। इसका मैक्सिमम एमपी 2.6 एम्पियर है। ठीक है, कोस 5 इसका पावर फैक्टर जो दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी आपको। इस सब की डिटेल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। स्टार की पट्टी के साथ में अगर आर को चेक करेंगे तो इसका R, Y, B सबका अलग अलग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो कि लगभग सेम होता है। ठीक है, 6.8, 6.9 आपको मल्टीमीटर जो है उसमें रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं विथ स्टार पट्टी। अब हम R टू Y चेक करेंगे। अभी हम बॉडी शॉट चेक करें कि मोटर अर्थिंग के साथ बॉडी शॉट तो नहीं है। अभी R टू Y हम चेक किया, 13.7 इसका रेजिस्टेंस है। फिर R टू B, B टू R, लगभग सभी में इसका रेजिस्टेंस जो R टू B, B टू Y सेम होगा। अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे मेन MCB में। ध्यान रखें, कभी भी मोटर को चलाते हुए हमें MPCB जरूर लगाना है, जो कि मोटर प्रोटेक्टेड सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, अभी हम इसको चालू करने के लिए डायरेक्ट चालू कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए। सर यहाँ पे आपको दिख रहा है वोल्टेज 408 वोल्ट आ रहा है, हमारे पास 408 वोल्ट अवेलेबल है। देखो, आर टू वाई, वाई टू बी एंड बी टू आर, तीनों फेज में 414 का वोल्टेज दिख रहा है। टेस्टर में भी आपको शो कर रहा है, आप ठीक से देखिए।
एक्चुअली सूस की वजह से टेस्टर में जो लाइट है वो ठीक से नहीं आ पाती। ठीक है, अभी हम इस मोटर के जो RYB है उसे हम MCB में कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले ध्यान दीजिए कि उसके हमें पावर ऑफ कर देना है, मैं बाद में सही से कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो RYB फेस दिख रहा है, ठीक है, अगर आप इन RYB फेस को दोनों में से किसी भी फेस को, आप तीनों में से किसी भी फेस को चेंज करते हैं तो ये मोटर का डायरेक्शन उल्टा घूमेगा। अगर आप कोई भी फेस चेंज करते हो तो मोटर रिवर्स में घूमना चालू कर देगा, बट सिंगल फेस के कंडीशन केस में इस तरह का नहीं होता है। सिंगल फेस में उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हमने MCB चालू कर दिया है, अब मोटर चालू हो चुका है, आप देख रहे हैं वीडियो में जैसा कि, ठीक है, अब आपको टर्मिनल भी दिख रहे हैं। अब हम इस मोटर का एम्पियर चेक करेंगे। एक्चुअली ये 1.1 kW का है, तो हम इसको सबसे पहले हम R में एम्पियर चेक करेंगे। इसका मैक्सिमम एम्पियर 2.6 है, अभी ये 1.2 इस तरह का एम्पियर लेगा, जो कि 1 ले रहा है। ठीक है, तीनों फेज में आपको लगभग सेम एम्पियर होना चाहिए, जो कि सेम ही लेगा। अभी देखिए 1.3 एक फेज में, ठीक है, 0.5 तक का वेरिएशन आपको इसमें चलता है। अगर आप ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है तो आपको मोटर को रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है, चेक करवाना पड़ेगा बैरिंग वगैरह इसमें सही है, ऑयल सील वगैरह सही है। अब इसका एम्पियर वगैरह सब चेक कर लिया हमने। अब एक्चुअली है क्या किरचॉफ लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑल द इनकमिंग करंट एंड ऑल द आउटगोइंग करंट इट एट एनी पोजीशन एट एनी नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो R में इसको पावर चेक कर रहे हैं हम, आ रहा है, ठीक है, Y में भी आ रहा है, वोल्टेज बिल्कुल टेस्टर में दिख रहा है आपको सेम, ठीक है। अब ये जो पट्टी है स्टार की, यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली है जीरो पोजीशन, यही हमारा किरचॉफ लॉ है, क्योंकि हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है सभी जो आने वाला करंट है। अब देखो यहाँ पे हाथ भी हमने लगा लिया है, बट हमें